हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे एक देश के साथ साथ एक शहर के तौर पे भी जाना जाता है और ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। एक ऐसा शहर जहाँ घर खरीदना दुनिया में सबसे महंगा माना जाता है। इस शहर में टॉयलेट फ्लश करने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल होता है। इस देश में कुंग फू खेल का लोगों के बीच काफी क्रेज है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये शहर कुछ बेहतरीन कुंग फू फिल्में बनाने और जैकी चैन और ब्रूस ली सहित कई अन्य अभिनेताओं के लिए प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं चीन के सबसे प्रसिद्ध शहर हांगकांग के। हांगकांग शहर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये देश पूरी दुनिया में अपनी कई चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश से जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आज हम आपको अपने इस वीडियो में हांगकांग से जुड़ी कुछ ऐसी ही मजेदार बातें बताएंगे। आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हांगकांग का आधिकारिक नाम है द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये छोटे बड़े कुल 200 आइलैंड्स को मिलाकर बना है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हांगकांग एक देश है, लेकिन असल में हांगकांग एक चाइना प्रशासित शहर है और साथ ही साउथ वेस्ट एशिया में स्थित एक स्वायत्त देश पे है। ये शहर दुनिया के अन्य शहरों से काफी अलग है। हांगकांग पूरी दुनिया में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। ये एक प्रमुख शहर होने के साथ एक प्रमुख बंदरगाह और ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी है। चाइना के साथ होने की वजह से हांगकांग की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी इस देश से सबसे अलग चलती है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हांगकांग को चीन से मिलाया गया था। हांगकांग दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से है, जिसकी कुल आबादी लगभग 7.5 मिलियन है। हांगकांग की ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और अंग्रेजी है। ब्रिटिश शासन के अधीन रहने की वजह से इस शहर में रहने वाले काफी लोग अंग्रेजी बोलते हैं और इतने ही लोग चीनी भाषा में भी बात करते हैं। दरअसल चाइना के ज्यादातर हिस्सों में मैंड्रिन चाइनीज बोली जाती है, लेकिन हांगकांग के ज्यादातर लोग कैंटनीज चाइनीज में बात करते हैं। हांगकांग की शिक्षा प्रणाली यूके एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। हांगकांग 200 से ज्यादा आइलैंड्स से मिलकर बना है, जिनमें कुछ आइलैंड्स में आबादी निवास करते हैं, जबकि कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है और वहां कोई आबादी देखने को नहीं मिलते। हांगकांग पर ब्रिटेन ने 1842 से 1997 तक राज किया, जिसके बाद इसे चीन के अधीन कर दिया गया। भले ही हांगकांग चाइना की सरकार के अधीन आता हो, लेकिन आज भी यहाँ के लोग खुद को अलग ही मानते हैं। हालांकि हांगकांग को एक देश तो नहीं मान सकते, लेकिन चीन का ये एक विशेष इलाका है। यहाँ का कानून अलग है और यहाँ की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत ही सीमित है और यहाँ की सरकार व्यापारिक और सांस्कृतिक चीजों पर पूरी तरह से खुद फैसला लेते हैं। लेकिन हांगकांग का सुरक्षा विभाग पूरी तरह से चाइना के द्वारा नियंत्रित है। हांगकांग की इकोनॉमी दुनिया की 35वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी बनाने में हांगकांग का काफी अहम योगदान रहा है। साथ ही हांगकांग में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देश के 40% हिस्से में सिर्फ पार्क ही पार्क हैं। यानी कि इस शहर में आने के बाद आप जिस तरफ नजर घुमाएंगे, वहां आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। चारों तरफ ग्रीनरी होने की वजह से हांगकांग को एक फ्रैग्रेंट पोर्ट भी कहा जा सकता है। दोस्तों, हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर, जिसकी वैल्यू करीब 9.5 भारतीय रुपए के बराबर है। हमने पहले भी बताया कि हांगकांग दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। आपको यहाँ हर दूसरा व्यक्ति अमीर मिलेगा। हांगकांग दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ टैक्स बहुत कम है, जिस वजह से हांगकांग को एक बिजनेस हब माना जाता है। दोस्तों, हांगकांग सिटी अपने पैसे का रुतबा और अपनी लग्जरी लाइफ के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ के लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि इस शहर में दुनिया की गगनचुंबी इमारतों की संख्या सबसे ज्यादा है। हांगकांग एक ऐसा शहर है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स देखी जाती हैं। यहाँ पर 14 मंजिल से ज्यादा कुल 8000 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। इस शहर के लोग कितने अमीर हैं, ये इसी बात से पता चलता है कि 2018 की अरबपतियों के लिस्ट में हांगकांग को 6ठा स्थान मिला था। इसके अलावा यहाँ के 67 निवासियों के पास $1 बिलियन की संपत्ति है। साथ ही बता दें कि हांगकांग को 4 सालों तक लगातार द बेस्ट बिजनेस सिटी इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिल चुका है। हांगकांग में कुछ ऐसी जगह हैं जो दुनिया के सबसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। साल 2012 में हुए एक सर्वे के दौरान ये बात सामने आई थी कि उस साल यानी 2012 में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हांगकांग की यात्रा की थी और इस यात्रा पर 4 करोड़ लोगों ने मिलकर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च किया था। लग्जरी लाइफ जीने वाले हांगकांग के लोगों का IQ लेवल काफी तेज माना जाता है। यहाँ के लोगों के IQ लेवल के तेज होने की वजह से ही यह शहर अन्य शहरों से साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है। हांगकांग के आधे से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इस धर्म को यहाँ आस्था के साथ पूजा जाता है, लेकिन इस धर्म को यहाँ न मानने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही है जितनी मानने वालों की है। यहाँ का कानून लोगों को अपने धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। हांगकांग में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा TN10 बुद्धा की ऊंचाई 34 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध मूर्तियों में से एक है।
दुनिया की सबसे ऊंची इस बौद्ध मूर्ति को बनाने में 3 साल से ज्यादा का समय लग गया था। वैसे तो इस शहर के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन ये न्यू ईयर, क्रिसमस और ईस्टर को भी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दौरान यहाँ ऐसी आतिशबाजी होती है जिसे देखने के लिए पूरा चीन इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, हमारे देश में नाबालिगों को शराब पीना तो दूर बल्कि इसे बेचना भी गैर कानूनी है, लेकिन हांगकांग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में नाबालिगों को शराब बेचना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं बना है। इस देश में बच्चे भी किसी भी गली और सड़क पे बिना लाइसेंस के शराब आराम से बेच सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग में समुद्र किनारे खड़े होकर गाना गाने पर जेल हो सकती है। जी हाँ, अगर आप बीच पर गाना गाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन पहले ही लेनी होगी, तब आप गाना गा सकेंगे। हांगकांग वैसे तो काफी खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ का मौसम कुछ अलग ही मिजाज दिखाता रहता है। हांगकांग में मई से लेकर नवंबर तक आंधी का मौसम रहता है। यहाँ तूफानों का अचानक आना आम बात होती है, लेकिन यहाँ पर इन तूफानों से निपटने के लिए हाईली एफिशिएंट सिस्टम्स अपनाए जाते हैं। हांगकांग में इन खतरनाक तूफानों से निपटने के लिए T1 और T8 जैसी टेक्निक्स बनाई गई हैं। T1 मतलब यह है कि तूफान दूर है, T3 का मतलब तूफान की गति बढ़ रही है और छोटे बच्चों को घर में ही रखने की सलाह है। वहीं T8 और T10 का मतलब है कि हांगकांग में 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसको देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक दिया जाता है। दोस्तों, हांगकांग का एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कमाल का है। शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया 20 फुटबॉल के मैदानों के आकार जितना बड़ा है। हांगकांग के एयरपोर्ट कैथे को 4 बार वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिल चुका है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। हांगकांग में भले ही लोग घूमना काफी पसंद करते हो, लेकिन शहर में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होते, क्योंकि शहर में घर खरीदना यानी कि अपना सब कुछ खो बैठना है। यहाँ के घरों की कीमत काफी ज्यादा होती है। यहाँ घर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ मिलियनेयर और बिलियनेयर लोग ही यहाँ घर खरीद पाते हैं। एनुअल सर्वे के मुताबिक हांगकांग ने लगातार 7 सालों तक सबसे महंगे घरों वाले शहर की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा पुल भी चीन के हांगकांग में ही है। 55 किलोमीटर तक फैले हुए इस ब्रिज का नाम हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने से पहले चीन से हांगकांग तक जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, लेकिन इस ब्रिज के बाद अब चीन और हांगकांग के बीच की दूरी 30 मिनट की रह गई है। हांगकांग के लोग खाने के काफी शौकीन होते हैं। आपको तो पता ही है कि चाइनीज लोगों को नूडल्स खाना कितना पसंद है। यहाँ के लोग हर मील पे नूडल खाते हैं। खाने में तो ये टेस्टी है ही, लेकिन इसके अलावा किसी के जन्मदिन पे नूडल खाना यहाँ काफी अच्छा माना जाता है। नूडल खाना हांगकांग में एक तरह से शुभ माना गया है। इसके अलावा हांगकांग में ऐसी मान्यता भी है कि अपने जन्मदिन के दिन नूडल खाने से उम्र बढ़ती है। नूडल्स के अलावा यहाँ और भी काफी चीजें हैं। हांगकांग में सबसे पॉपुलर डिशेज में से एक है पून चोई, जो 10 अलग अलग सामग्रियों से बना एक ऐसा पकवान है जिसे एक ही बर्तन में परोसा जाता है। इस डिश को खाने के लिए यहाँ के लोग काफी उत्साहित रहते हैं। हांगकांग की ये डिश यहाँ की परंपराओं से जुड़े हुए है। आमतौर पर पून चोई को तैयार करने और पकाने में 3 दिन लगते हैं, और इसे अक्सर धार्मिक त्योहारों और खास दिनों जैसे कि शादियों के दौरान और नए साल पर खाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग चाय के भी काफी शौकीन होते हैं। अब कोई बात जानकर हैरानी होगी, हांगकांग में हर साल 9.8 मिलियन किलो चाय की खपत होती है। यहाँ चाय के साथ डिमसम का सेवन करना भी एक परंपरा के तहत आता है, जिसमें चाय के साथ लकड़ी के पट्टे पर कई तरह के खाने की चीजों को परोसा जाता है। हांगकांग में दुनिया में किसी अन्य देश या शहर की तुलना में प्रति व्यक्ति के हिसाब से रोल्स रॉयस कार सबसे ज्यादा देखी जाती है। एक बार तो 2006 में हांगकांग के एक बिजनेसमैन ने अपने लग्जरी होटल रिजॉर्ट के लिए रोल्स रॉयस कारों का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था। इस दौरान उस बिजनेसमैन ने अपने होटल के लिए 30 रोल्स रॉयस कारें खरीदी थी। हांगकांग में एक अजीब सी प्रथा सालों से चली आ रही है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर उन माताओं पिताओं को शुभ माना जाता है जो लड़के के बाद लड़की को जन्म देते हैं। हांगकांग में दुनिया का सबसे लंबा आउटडोर एस्केलेटर है। 1993 में हांगकांग के लोगों के लिए खोला गया ये एस्केलेटर 800 मीटर लंबा है। हांगकांग के 90% लोग हर रोज इस ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रैवल करते हैं। यहाँ बुलेट ट्रेन के अलावा कई और तरह के ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई है। हांगकांग में सबसे बड़ी डबल डेक ट्राम कार्स चलती हैं, जिसमें प्रतिदिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। क्या आप जानते हैं, हांगकांग में टॉयलेट फ्लश करने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल होता है। यहाँ घरों के अलावा होटल्स और मॉल्स में टॉयलेट फ्लश करने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता, शायद ऐसा पानी बचाने के लिए किया जाता हो। हांगकांग में ही दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कुंग-फू फिल्मों का निर्माण हुआ है, और जैकी चैन और ब्रूस ली भी इसी जगह से हैं। इन दोनों ने ही फिल्मी जगत और कुंग-फू को एक किया और खूब नाम कमाया। ब्रूस ली ने साल 1958 में हांगकांग चाचा चैंपियनशिप जीती थी, और इसी के साथ ब्रूस ली इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले इंसान बने। दोस्तों, हांगकांग कुंग-फू में तो माहिर है ही, साथ ही अन्य खेलों के मामले में भी ये पीछे नहीं है। यहाँ के लोग रग्बी खेलना काफी पसंद करते हैं। यहाँ की हांगकांग सेवेंस नाम से जानी जाने वाली रग्बी कंपटीशन को दुनिया में सबसे बड़ी रग्बी कंपटीशन माना जाता है।
जो हर साल मार्च में आयोजित की जाते हैं। इस कंपटीशन में दुनिया भर से 28 टीमें भाग लेती हैं और इनाम के तौर पर $1.5 लाख की इनाम राशि दी जाते हैं। दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे अलग शहर हांगकांग। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको हांगकांग की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या कभी आप गए हो हांगकांग, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।